सेलो फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में, क्या दैट इज़ योर तरजागी थ्योरी। हमारे पास में क्या आती है, दैट इज़ योर तरजागी थ्योरी जो है ये अपने पास में पढ़ने को मिलती है किसमें, सेलो फाउंडेशन में, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। और जब इस थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन आया था आपके पास में इसका कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू इज इक्वल टू दैट इज़ योर सी एन सी प्लस आपके पास में सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। ओके, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को आपने दिखा दिया था कैसे, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। चीज़ों के मतलब आपको पहले से ही पता है कि आपके पास में सी कोहेसन के लिए, क्यू आपके पास गामा डी एफ से भी रिप्लेस कर सकते हो, बी आपके पास में वेट है, गामा आपके पास यूनिट वेट है, यहाँ पर भी आपके पास में एक गामा आता है वो भी आपके पास यूनिट वेट के लिए वहाँ पर लिखा जाता है। तो इसके बारे में मैं ये मानता हूँ कि इसके बारे में आप पहले से जानते हो। जिस जो चीज़ मैं यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ वो है इसमें कि वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कैसे लगता है। ओके, वाटर टेबल करेक्शन जो हमको लगाना होता है वो हम कैसे यहाँ पर लगाते हैं, इस चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्टली टॉपिक पर अगर देखें यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ आपके पास में ग्राउंड लेवल, ये क्या है ग्राउंड लेवल, और ये दूसरा मैंने यहाँ पर क्या बना दिया इसमें फाउंडेशन। तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया आपके पास में फाउंडेशन लेवल, और तीसरा इसके नीचे एक स्ट्रेस जोन बन रहा होगा तो मैंने स्ट्रेस जोन को वहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, सो दिस वन इज़ योर डेप्थ ऑफ फुटिंग दैट इज़ योर डी एफ। अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्या, दैट इज़ योर बी, सो दिस वन इज़ ऑल्सो योर बी। ओके, ये पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा था आपने कि स्ट्रेस जोन जो होता है वो बी तक आपके पास एक्सटेंड करता है। तो ये हुआ आपके पास में बी, दैट इज योर स्ट्रेस जोन का डेप्थ, ये हुआ डेप्थ ऑफ द फुटिंग, और ये आपके पास में हो गया यहाँ पर ग्राउंड लेवल, और ये हो गया आपके पास में फाउंडेशन लेवल। और अब कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। कहानी देखो कैसे स्टार्ट, कि तीन केस हो सकता है, वाटर टेबल है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि या तो वाटर टेबल आपके पास में यहाँ कहीं किसी लेवल पर रहे, दूसरा केस हो सकता है कि हो सकता है वाटर टेबल आपके पास में कहाँ पर, यहाँ पर रहे, या तीसरा केस हो सकता है कि आपके पास में वाटर टेबल यहाँ पर रहे। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ जोन वन, इसको बोल देता हूँ जोन टू, और इसको बोल देता हूँ जोन थ्री। तो इन तीनों के केस में वाटर टेबल करेक्शन मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, मैं उसको वहाँ पर देखता हूँ। ओके, मैंने क्या बोला कि सपोज ये यहाँ पर आपके पास में कोई भी डेप्थ है, ये आपके पास में कोई भी डेप्थ है, आपके पास में एक डेप्थ यहाँ पर ये है, आपके पास में एक डेप्थ यहाँ पर ये है। तो सपोज मैंने इस वाले को बोल दिया आपके पास में कि दैट इज योर जेड क्यू डेप्थ है, इस वाले को मैंने बोल दिया जेड गामा डेप्थ है, और इसके लिए मान लो बोल दिया मैंने जेड वाई डेप्थ है। ठीक है, तो सबसे पहला केस अगर मैं बोलूँ, अब मैं डायरेक्टली केस पर यहाँ पर आ जाता हूँ, अगर मैं सबसे पहला केस यहाँ पर आपके पास में बोलता हूँ कि ये जो आपके पास आप बात कर रहे हो किसकी, वाटर टेबल की, इस जेड वाई की, अगर ये जेड वाई आपके पास, मतलब वाटर टेबल, पहला केस क्या कि जब वाटर टेबल जो है आपके पास में, वाटर टेबल जो है वो इज एट जोन वन, जब जोन वन में होगी, तो जोन वन में जब होगी तो स्ट्रेस जोन के बियॉन्ड है, स्ट्रेस जोन में आया ही नहीं, और आया ही नहीं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोलते हो कि अगर वाटर टेबल आपके पास जोन वन में है तो आप क्या आंसर देते हो यहाँ पर कि कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर समझ लो। ठीक है, दूसरा केस कि आपके पास में अगर ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये आपके पास कहाँ मिल जाए, इज एट जोन टू, कि वाटर टेबल आपके पास में कहाँ पर आ जाए, जोन टू पर आ जाए। तो मैंने मान लिया कि मान लो कि वाटर टेबल आपके पास में यहाँ पर आ गई, और इसकी फाउंडेशन लेवल से जो डेप्थ है वो आपके पास में जेड गामा है। तो इस केस में आपके पास केवल और केवल करेक्शन, ओनली करेक्शन इन थर्ड टर्म, केवल और केवल थर्ड टर्म में आपके पास में करेक्शन होता है। कहने का मतलब जब आप यहाँ पर क्यू यू बोलोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा, ये तो था ही तुम्हारे पास, साथ में मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आर गामा करके आपके पास में ये यहाँ पर करेक्शन फैक्टर लगा दिया। और मतलब होता है मुझे इस आर गामा से, तो आर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 1 प्लस, ये डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ है आपके पास जेड गामा, और रिलेट किससे करूंगा, रिलेट करूंगा यहां पर बी से, सो जेड गामा डिवाइड बाई बी, ये आपके पास में यहां पर करेक्शन हो जाता है। ठीक है,
ये करेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। तुम देखो, तुम देख कर भी सकते हो, अगर मैं बोल देता कि ये ग्राउंड वाटर टेबल जस्ट यहां पर होती, जस्ट इस पॉइंट पर होती, तो आपके पास जेड गामा का वैल्यू किसके बराबर हो जाता? तुम देखो यहां पर बी के बराबर हो जाता। ये जीरो से यहां से स्टार्ट कर रही है, धीरे धीरे बढ़ती बी के बराबर होती, जेड गामा बी के बराबर होता, बी बाई बी वन हो जाता, वन प्लस वन टू हो जाता, टू बाई टू वन हो जाता, आर गामा का वैल्यू वन, वन मतलब कोई करेक्शन? बिल्कुल करेक्शन नहीं। तो आपने वही तो बोला था कि इसके या इसके नीचे रहेगा तो कुछ भी करेक्शन यहां पर नहीं होगा। ओके, तीसरा केस कि आपके पास में, तीसरा केस क्या आ जाए कि आपके पास मान लो कि यहां पर वाटर लेवल ये जो है ये आपके पास इसके पार चला जाए। सपोज इसके पार चला जाएगा तो जेड गामा हो जाएगा जीरो, और जेड गामा जीरो हो जाएगा तो दिस वन इज योर जीरो, सो दिस वन इज योर वन बाई टू, एंड दिस वन इज इक्वल टू आपके पास में अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं बोलूं कि आर गामा का मैक्स वैल्यू आप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा 0.5, और वो कब होगा जब फाउंडेशन लेवल से ऊपर चला जाए। तो ये दूसरे का केस है कि ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास में कहां है, यहां पर। अब ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे वहां पर। तीसरा केस कि मान लो कि आपके पास में जोन पर कहां पहुंच जाए, आपके पास में ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ये ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास में कहां चला जाएगा, मान लो कि जोन वन में चला जाए और जोन थ्री में चला जाए। सो जब आपके पास में ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें इज एट जोन थ्री, तब आपके पास में करेक्शन कहां होता है, करेक्शन इन सेकेंड टर्म आपके पास में सेकेंड टर्म में होता है, और तब आपके पास क्यू यू इज इक्वल टू क्या लिख देते हो, आप लिखते हो सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू इन टू आर क्यू, ये आपने एक करेक्शन लगा दिया, प्लस वन बाई टू बी गामा एन गामा। क्या यहां पर करेक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा, अरे यहीं से तो निकल के गया है वो, तो ये करेक्शन तो हो जाएगा, बट यहां पर इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी 0.5 फिक्स हो जाएगी। बात आती है यहां पर आर क्यू क्या है, सो आर क्यू उसको बता देना कि आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू वन प्लस, अब देखो यहां पर वन प्लस, यहां पर जब लिखा था तो जेड गामा भी बी लिखा था, जेड गामा को बी से रिलेट किया था, यहां पर जेड क्यू को डी एफ से रिलेट करेंगे, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर जेड क्यू डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दैट इज योर डी एफ हो जाएगा। अगर वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाए, अगर आपके पास में ये ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाती है, हो जाएगा जीरो, और ये जब हो जाएगा जीरो आपके पास में, तो अगेन इसका ही वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो बस आपको ये यहां पर चीजें इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, फटाक से क्वेश्चन खत्म कर देंगे, कि मान लो कि वो बोल देता है आपके पास में क्वेश्चन कि ये क्या है आपके पास में ग्राउंड लेवल, और डेप्थ ऑफ द फुटिंग सपोज आपके पास में कितनी है, सपोज आपके पास में 5 मीटर है, ठीक है, विड्थ ऑफ द फुटिंग सपोज कितनी है आपके पास में 6 मीटर है, और ये क्वेश्चन दे देगा आपको, और ये डायग्राम बनाएगा नहीं, तीन केस दे देता है। मान लो पहला केस देगा कि ग्राउंड वाटर टेबल कहां पर है आपके पास में 15 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास में कहां पर है 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, और तीसरा केस आपके पास में व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास में कहां पर होगा, ग्राउंड वाटर टेबल आपके पास सपोज 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ये तीन केस हैं, तीन केस के लिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं कैसे करूंगा। सबसे पहला, ग्राउंड वाटर टेबल 15 मीटर नीचे है इस ग्राउंड लेवल से, तो आप देखो यहां पर ये कितना है 5, ये कितना है 6, और 6 और 5 आपके पास में कितना हुआ, ये हो गया 6, 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, ये कितना है 15, मतलब इसके बियॉन्ड है, मतलब इस वाले की वजह से क्या कोई इफेक्ट आएगा, तुम बोलोगे नो इफेक्ट, आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट आंसर हो जाएगा, इज इट ओके। दूसरा, 10 मीटर, तो 5 यहां पर आ गए और 5 यहां पर चले गए, तो ये कितना है आपके पास में 5, याद मतलब ग्राउंड वाटर टेबल कहां पर है, यहां पर, मतलब ये किसका वैल्यू है, ये जेड गामा का वैल्यू है, जेड गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो यहां पर आपके पास में आर गामा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस जेड गामा का वैल्यू है 5, और यहां पर आपके पास में इसका वैल्यू 6, आप निकाल के दे देंगे जेड आर गामा का वैल्यू कितना है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, वो बस एग्जांपल के लिए लिया था, इसलिए डिजिट्स आपके पास अनमैच कर गए, जो क्वेश्चन वहां पर पूछेगा आपको उसमें आपके पास में वो डिजिट्स ऐसे देगा कि आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सको। एंड द लास्ट वन, कि आपके पास ग्राउंड वाटर टेबल 2 मीटर नीचे आ जाए, मान लो यहां पर है आपके पास में, दिस वन इज इक्वल टू योर 2 मीटर एंड दिस वन इज योर ग्राउंड वाटर टेबल, तो इस केस में जब आपके पास में आर क्यू लिखोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1/2 इंटू 2 डिवाइड बाई डी एफ दैट इज योर 5, सो यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो आर क्यू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर इस केस में आर गामा का वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0.5 होगा। आपके पास में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होता है, और इस तरीके से वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। वहां पर क्या करेगा वो, आपको ऐसे नहीं देगा कि 3 डेटा दे देगा,
कोई भी एक डेटा दे देगा और जनरली आपको वहां पर घुमाएगा कैसा, कुछ ऐसे डायमेंशन दे देगा और आपको एट लास्ट ऐसा कुछ पूछ रहा होगा कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल इस जोन में लाई कर रहा होगा जहां से वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, आप जीरो इफेक्ट बोल देंगे या आपके पास में फैक्टर का वैल्यू पूछता, मतलब नो इफेक्ट वहां पर आपका आंसर होगा। तो ये आपके पास में क्या थी, ये आपके पास में यहां पर तर्जागी थ्योरी कुछ इस हिसाब से देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन यहां से बनता है, इसके एजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ पढ़िए, वहां पर आपके पास में क्वेश्चन पेपर में एक नए क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। इज इट ओके?